आज की इस वीडियो में हम वैदिक मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो तुम, या फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज अ टोटली प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ वैदिक मैथ्स। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस। और आज की जो स्पेशल वीडियो होगी, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फोकस करेगी कि हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, 1 digit 2 digit, बट स्टिल सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत से बच्चों को जिनमें मैथ्स में प्रॉब्लम रहता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे एकदम मैथ्स में सभी परफेक्ट होते हैं। मैथ्स में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, तो हम यहाँ पर बस फाइंड आउट करना चाहते हैं एक वे जिससे हम मैथ्स को थोड़ा इजी बना सकें। अब जैसे अगर तुमसे बोल दिया जाए कि तुम्हें 1, 2, 5, 6, 7 इस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो जो एक नॉर्मल मेथड है कि हम क्या करेंगे, 1, 2, 5, 6, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 5, 6, 7 में, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का। बट आज हम देखेंगे कि वैदिक मैथ्स के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट, इन सब चीजों को कितने इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा ताकि तुम्हें एक एक करके सारे स्टेप क्लियर समझ में आए। और यहाँ पर रटना कुछ नहीं है, देखो बहुत लोगों को लगेगा कि नहीं, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स टोटली अप टू यू। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज सीखने लायक है तो उसको सीखना जरूर, तो बट मैं यही एडवाइस करूंगा कि कॉन्सेप्ट सीखो। कई बार क्या होता है, जब प्रैक्टिस नहीं होती है चीजों की तो लगता है कि चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट ऐसा होता नहीं है। जब तुम उस चीज की प्रैक्टिस बार बार करोगे तो वो चीज आसान होती चली जाती है, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक रूल देखते हैं, जहां पर अगर कोई भी नंबर है, जैसे 25 है सपोज करो, या 35 हो, या 45 हो, 55 हो, 15 हो, इनका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम एक बेसिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं। इसकी शायद तुम्हें बहुत वीडियोस में मिल जाएंगी इस तरीके की कैलकुलेशन की यूट्यूब पर। तो सिंपल है कि सबसे पहले तुम्हें 5 का स्क्वायर करना होता है। जैसे 25 है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, 5 का स्क्वायर कर दो, 25 लिख दो। फिर ये जो नंबर है, ये जो 10th प्लेस पर है, इससे एक नंबर बढ़ा दो, यानी 2 का 3 कर दो, 2 into 3 कर दो। फिर मतलब इस 2 को एक इंक्रीज किया, पहले तो हमने 3 किया और फिर इस नंबर की मल्टीप्लाई इंक्रीज वाले नंबर में कर दी, तो 2 into 3 6 हो जाएगा, तो 625 हमारा आंसर होगा। सेम 35 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना हो तो पहले 5 का स्क्वायर कर दिया, 25 लिख दिया, अब इसमें 1 बढ़ाया तो 4 आ गया, 4 into 3 कर दिया 12, तो 12 25 का आंसर हो गया। सेम 45 का स्क्वायर अगर मुझे करना होता तो मैं करता क्या, 25 और 4 में एक इंक्रीज किया 5 into 4 होता है 20, तो 20 25 आंसर होगा। 55 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं क्या करूंगा, 25 तो लिख ही दूंगा, फिर इसमें 6 इंक्रीज कर दूंगा, 1 इंक्रीज करूंगा 6 हो जाएगा, 6 into 5 यानी 30 3025। अगर मुझे 15 का करना होगा तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा 15 के स्क्वायर के लिए भी लगेगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 1 में 2 इंक्रीज, 1 इंक्रीज के तो हो गया 2, और 2 into 1 होता है तुम्हारा 2, तो हो जाएगा 225। इसे 15 है, 15 का स्क्वायर करना है तो हो गया 25, फिर इसमें 1 इंक्रीज किया 2 हो गया, 2 into 1 हो गया 225, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले कि अगर कोई नंबर है जिसमें 5 का, जो इसमें एंड में 5 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर कैसे करना है हमें, ठीक है। अब हम चलते हैं एक प्योर कॉन्सेप्ट, वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट पर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डीप नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज करो 23 का हमें स्क्वायर निकालने के लिए बोला होता, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करो तो वो होगा 04, ठीक। फिर जो ये नंबर है, पूरे नंबर को लेना है, यानी 23 का वो हमें पिक करना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे 2 into 3 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई और करेंगे, यानी 2, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, तो मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमें करना होगा 2 into a into b करना होगा, ठीक है। तो 2 into a into b किया तो मैंने किया 3 जो 6 और 12, यहाँ आगे 12। फिर इस 3 का स्क्वायर कर दो, जो लास्ट में डिजिट बढ़ती है 09। इसको लिखना इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा है, अब इसको ताकि आसान रहेगा लिखा इस वजह से, इसलिए ताकि तो मैं आसान रहे एडिशन करना। अब इसको ऐड कर दो 925, ये हमारा आंसर होगा। एक 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे सपोज करो 37 का स्क्वायर करना होता मुझे,
तो सेम काम करेंगे, पहले 0 9 आ गया, फिर हो गया 7 इंटू 3 इंटू 2 यानी 41, 21 इंटू 42 हो गया, और फिर हो गया 49, तो 9 6 और ये हो गया 13, ये हमारा आंसर होगा। तुम इसे क्रॉस चेक कर सकते हो, 37 का स्क्वायर निकाल के देखो, जिस मेथड से अभी तक तुम स्क्वायर निकालते आ रहे हो कि अगर तुम 37 मल्टीप्लाई बाय 37 करोगे तो तुम्हें आंसर 1369 ही मिलेगा। तो एक बार स्टेप क्या है, अगर ये नंबर ए है ये नंबर बी है तो पहले हमें ए का स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर हमें 2 इंटू ए इंटू बी करना है, फिर हमें बी का स्क्वायर करना है। अब किसी को लगेगा कि ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया सर, है ना, दुनिया में लोगों को ये भी लगेगा कि नहीं अरे नहीं ये तो पागल बना रहे हैं, ये तो ये बन जाएगा, डायरेक्ट बता देते फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी का, पर नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, ये नहीं करना है, ये चीज नहीं समझनी है हमें, ये कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि जब 3 डिजिट का नंबर आएगा, जब 123 अगर मैं लेकर आता हूं तो वहां पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा तुम्हारा, ठीक है, तो इसलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर को मत देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो हमें 46 का स्क्वायर निकालना है, मैंने कोई रैंडम नंबर पिक कर लिया है, तो 4 का स्क्वायर किया 16, ठीक है, फिर 4 मल्टीप्लाई करो 2ab करो, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 2 इंटू 4 इंटू 6 8 हो गया, 8 इंटू 6 होता है 48 और हो गया 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दो 6 8 3 11, देखो अब कैरी आ गया, अब यहाँ पे 11 नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे कैरी आएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर लेके जाओ 6 4 10 और 1 1 और ये हो गया 2 2 1 1 6 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब सपोज करो 57 या फिर 58 का अगर हमें स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, फिर 8 पंजे 40 और दूनी 80 और 64, 4 6 और 13 3 3364, ठीक। तो ये अभी तो हमने देख लिया कि 2 डिजिट का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 3364 हमारा ये आंसर आ गया था। लास्ट 4 क्वेश्चन हमने करके देखे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी है यहां पर। अब एक और मैं तुम्हें दोबारा से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूं, तो देखो सपोज करो मेरे पास नंबर है 94, इसका स्क्वायर निकालना है, तो इस 2 डिजिट के नंबर के लिए 3 पेयर बनेंगे, एक तो 9 का स्क्वायर करना है, एक 2 इंटू 9 इंटू 4 करना है और एक करना है 16 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, अब इसको कर दो 9 8 72 और 4 का स्क्वायर 16 कर दो, तो 6388 ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था तुम्हें समझाने का कि वैदिक मैथ्स के थ्रू हम कितने सिंपली कितने आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर 2 डिजिट की बात करें तो। अगर अब आ जाए 3 डिजिट के नंबर, जैसे सपोज करो अब हमारे पास आ गया 137 या कोई अभी एक बेसिक सा नंबर ले लेते हैं जिसका तुम्हें भी लगे कि नहीं यार इसका स्क्वायर तो मैं भी निकाल सकता था, चलो 137 ही ले लेते हैं, ठीक है 137 ले लिया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि अब ये नंबर कैसे होगा। अब देखो इसके स्टेप क्या बनेंगे, इसके स्टेप हमें देखने हैं, सबसे पहले हमें पहले सबसे पहले स्टेप सीखेंगे कि पहले तो 1 देखेंगे, 1 का स्क्वायर होगा होगा 01, फिर यहां पर इन दो नंबर को पिक करना है यानी 13, जो 2 नंबर के लिए जो अभी हम पीछे कर रहे थे वही करना है यानी 2 इंटू 1 इंटू 3 करना है, तो ये हो गया 6, तो 06, फिर आ गया 3 डिजिट 137। अब इसके स्टेप एक बार मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा समझ में आए कि करना कैसे है। इसका स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, इसमें 2ab लगेगा, इसमें भी 2ab लगेगा और इसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, एक बार समझो चीज को, समझने की कोशिश करो, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करो। वैसे भी कुछ नया हमेशा सीखते रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमेशा वही जो रटी रटाई चीज है वही हम कर रहे हैं और वही करते रहेंगे, ना हम बदले थे ना बदलेंगे, ये काम नहीं करना है, चीजें ग्रैब करने की कोशिश करो, नए कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की कोशिश करो, मे बी हेल्पफुल हो, ठीक है। अब इसका 2ab तो कर दिया, अब आता है यहां पर कि इस नंबर का क्या करेंगे, 137, तो 137 का क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, 137, तो इसमें इन दोनों नंबर की तो करनी है मल्टीप्लाई बाय 2,
2 × 1 × 7, फिर प्लस करना है इसका स्क्वायर, ये जो मिडिल वाला नंबर है इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 14 प्लस 9 कितना होता है 14 प्लस 9 हो गया तुम्हारा 23, तो 23 यहां पर लिख दिया, फिर 37 है फिर से तो 42 आ गया तुम्हारा, और फिर 7 का स्क्वायर 49। अब इसको लिख दो 96781, ये हमारा आंसर होगा, 137 का स्क्वायर होगा हमारा 18769। ये तो मैंने तुम्हें समझाया है तो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें तो इतनी देर में तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता, बट अगर ये चीज मुझे तुम्हें समझानी ना पड़े, सिर्फ मुझे कैलकुलेट करनी पड़े, तो इसकी स्पीड हमारी दुगनी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समझा रहे हैं तो फिर चीज अरे इतने टाइम में तो मैं ही कर देता मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक भ्रम है तुम्हारा। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, बस नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो को रिपीट कर लेना, बट समझो पहले, प्रैक्टिस में लेकर आओ और फिर इस पे अपने जजमेंट देना कि ये बेटर है कि नहीं है। ठीक है, दोबारा हम देखते हैं 234 का स्क्वायर अगर हमें निकालना होता तो हम कैसे निकालते, तो 2 का स्क्वायर हो गया 04, ये हो गया 12, फिर हो गया 4 × 8, 8 × 16, 16 × 9 = 25, और फिर हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, और 16 ऐड किया 6 × 5 = 7 × 4 = 5, ये आंसर होगा 54765। 234 का स्क्वायर अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करके देखो, आंसर यही मिलेगा। ठीक है, क्या क्या किया, सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिखा 04, फिर इस 23 का स्क्वायर किया, 23 नहीं 2 × 2 × 3 तो 12 आया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी बाय 2, यानी 4 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 का स्क्वायर तो आएगा 25, फिर 3 × 4 करना है मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 × 3 × 4 लास्ट की दो, ये दो डिजिट जो है, फिर सबसे लास्ट वाले डिजिट जो यानी 4 है उसका स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर 16, सबको ऐड किया और आंसर हमारा आ गया। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, सेम लेवल पे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, 282 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, चलो 282 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 04, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32, फिर ये इसका निकालो 2 × 2 × 2 = 8, 8 + 64 यानी 72, फिर उसके बाद निकालो 82 यानी 8 × 2 = 16 × 2 = 32 अगेन, फिर 04 42597, ये हमारा आंसर होगा 79524, 79524 हमारा आंसर होगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि थोड़ा सा हमें समझ में आए, एक बार और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस बार 717 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 717 का स्क्वायर निकालता है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर 71 को लेना है तो 71 कितना होगा 7 × 2 = 14, फिर हमें लेना है 7 × 717, अब ये आ गया पूरा का पूरा, तो अब इसको कैसे करेंगे 7 × 7 × 2 + 1 तो ये हो गया 99। ठीक है, फिर 17 लेंगे, दोबारा से 14 आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा, ऐड कर दो 9 8 10 हो गया तुम्हारा 10 14 हो गया, और ये हो गया 10 और 1 11 और 5 5 1 4 0 8 9 5 1 4 0 8 9 717 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, 3 डिजिट तक कभी तक हम स्क्वायर निकाल चुके हैं बाय यूजिंग वैदिक मैथ्स। अब हम देखते हैं आगे कि अगर अब हमें 4 डिजिट का कोई नंबर दे रखा है तो अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर दे रखा है ये, इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया, अभी तो 4 डिजिट नंबर है, अब इसका कैसे करेंगे, 3 डिजिट देख लिया, 2 डिजिट का देख लिया, 4 डिजिट की हम बात करते हैं यहां पर, तो 4 डिजिट का स्क्वायर मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको भी सेम कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है, 01 आ गया पहले, फिर 0 आ गया दो बार, 0 क्यों आया कि जब मैं ये दो नंबर पिक करूंगा 1 × 0 × 2 करूंगा तो कितना आएगा 0 0 आ जाएगा, फिर
तीन नंबर पिक करेंगे 103, तो 103 का हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा कि 103 का कैसे करना है, 3 × 1 × 2 + 0 का स्क्वायर, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर जाएगा 06, फिर 1034 आ गया। अब चारों नंबर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, इसमें इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है और इन दोनों के नंबर की मल्टीप्लाई करनी है बाई 2, यानी 2 × 1 × 4 करना है प्लस 2 × 0 × 3 करना है, ठीक है। ऐड कर, इनको ऐड कर दो तो आ गया तुम्हारा 8, तो ये आ गया 08। अब फिर से थ्री डिजिट नंबर पर पहुंच जाएंगे हम, 034। तो थ्री डिजिट के लिए हमने देखा था कि 2 × 0 × 4 + 3² यानी 9 आ जाएगा, 09 आ जाएगा। फिर हम फिर से टू डिजिट पर आ गए, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 और फिर 16 ऐड कर दो, 6519601, यही आंसर होगा 106 1069156 हमारा आंसर होगा। इसको तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, किसी भी कैलकुलेटर को लेके बैठ जाना, क्रॉस चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। अगर लग रहा है कि मेथड बहुत लंबा हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मेथड बहुत लंबा हो गया है, एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। 1234 एक और नंबर लेते हैं, 1234 बहुत बेसिक नंबर है जो रिपीट होता है बार बार किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, देख लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत से लोगों को हो सकती है कि इन मल्टीप्लाईज याद भी हो, ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने वाले बच्चे भी होते हैं, तो इस नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका स्क्वायर निकालते हैं, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो अगेन 01, ठीक है। फिर हो जाएगा तुम्हारा 2 × 2 = 4 यानी 04। फिर थ्री डिजिट हो गया, तो 3 × 6 + 4 = 10 हो गया। उसके बाद करना है 4 × 2 = 8, 3 × 6 = 12 + 8 = 20 हो गया। उसके बाद तुम्हें करना है 2 × 3 = 4 का, 4 × 2 = 8 × 16, 16 × 9 = 25। फिर करना है 34 यानी 4 × 2 = 12, 12 × 2 = 24 और फिर 4 × 16 6 5 7 2 2 5 1, ये हमारा आंसर होगा। इसको एक बार कैलकुलेटर से चेक क्रॉस चेक कर जरूर कर लेना, आंसर सेम ही मिलेगा। 1234 का स्क्वायर अगर मैं निकालता तो आएगा 1522756, ठीक है। तो ये अभी तक हमने इस वीडियो में देखा अप टू 4 डिजिट हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब अगर 5 डिजिट का अगर नंबर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये तो और हम तो बढ़ाते ही जा रहे हैं नंबर, अगर 5 डिजिट का आ जाता है तो कैसे करेंगे। सपोज करो ये होता 10345 एक नंबर होता हमारे पास, इसका स्क्वायर निकालना है मुझे, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो 1 का स्क्वायर क्या 01 आ गया, ये 00 हो जाएगा। फिर 103 का वो करेंगे तो 1 × 3 × 1 × 2 = 6 हो जाएगा, 06। पहले मैंने सिंगल डिजिट नंबर लिया, उसका स्क्वायर किया, फिर अगले दो डिजिट पकड़े, उनका 2 ए भी लगाया मैंने, फिर 3 डिजिट पकड़े, उसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर, ये जो करेंगे ना 2 × 1 × 3 + 0², ठीक है। अब 4 डिजिट नंबर पकड़ लेंगे, तो यानी 1034 का होल स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 × 1 × 4 + 2 × 0 × 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 08। अब 5 का करेंगे, अब 5 आ गया, अब यहां पर 5 आ गया, अब इसको कैसे करेंगे 10345, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो 4 डिजिट तो हमने पिछले में ही देख लिया था कि 4 का कैसे करेंगे, अब 5 का कैसे करेंगे। 5 का भी सिंपल है, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो 2 से, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो 2 से प्लस करके 2 × 0 × 4 + 3 का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो 10 हो गया, ये 0 हो गया प्लस 9 यानी हो गया 19, यहां पर लिख दो 19। फिर 4 डिजिट पे जाओ दोबारा से, तो यानी तुम्हारा होगा 0345, तो ये तो 0 ही हो गया और ये हो गया 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। फिर 3 डिजिट पे आओ 345,
तो ये हो गया 5 × 15 × 30 और 16, 30 और 16 कितना हो गया 46, फिर 4 डिजिट 2 डिजिट पे जाओ, 5 × 20 × 40 और 25 ऐड कर दो, 5 2 10 9 11 10 0 7 0 1, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्व करके देख सकते हैं तुम इसको, 10345 की मल्टीप्लाई अगर कर दो 10345 में, तो हमारा आंसर आता है, कैलकुलेटर से मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं अपने फोन पर, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मैं 10345 की मल्टीप्लाई 10345 में करता हूं तो आता है 10701 9025, और यही मेरा आंसर है यहां पर भी। तो ये कॉन्सेप्ट था वैदिक मैथ का, जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा, जिसमें हम स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझेंगे वैदिक के थ्रू, कि वैदिक के थ्रू हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर हमने सीख लिया, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे और क्यूब कैसे करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बट भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुम्हें जो भी हमारे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है, उस चैनल को जाके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी फॉलो करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में।